हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं कहीं पर भी घूमने नहीं गया हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कहीं पर भी कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो सोचा है आज मैं कहीं घूम कर आता हूँ और आपको भी लेकर चलता हूँ। तो आज हम इटावा की एक ऐसी जगह पर चलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो क्या पता आपको वो पता हो, आप वहाँ पर गए भी हो। तो अगर आप वहाँ पर गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अभी हम लोग चलते हैं, शुभम और दीपक आ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चल आया हूँ अब घर से बाहर, तो भी देखते हैं, मौसम तो अच्छा हो गया है। इन दोनों का वेट करते करते पता नहीं कहाँ कितना टाइम लेंगे ये लोग आने में। A few minutes later. कितना वेट कराओगे? कितना वेट कराते तुम लोग यार? अरे यार ट्रैफिक था यार। हाँ, ट्रैफिक तुम्हारे लिए तो लगा था। ये दोनों हम लोग जाते हैं यार भीड़ लग जाती। हाँ, तुम जहाँ जाते हो भीड़ लग जाते। कहाँ के सेलिब्रिटी हो? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? हमें बता तो दो कहाँ जा रहे। अभी पेट्रोल पंप जा रहे पहले पेट्रोल पंप जा रहे और ये आ गए हम रेलवे फील्ड। वाह, नजारा नजारा। जा रहे हैं यहाँ से सीधा 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 जाएंगे पेट्रोल पंप और फिर वहां से फिर अबे ब्रेक ब्रेक है गाड़ी में कि नहीं? हम आ गए हैं, कहाँ आ गए? ओवर ब्रिज। ये देख रहे हो आप सनसेट, वाओ क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये दीपक की धन्नो गैलेक्सी फैशन वर्ल्ड जाना है वहाँ पे क्या है? ओह, तो हम लोग अभी गैलेक्सी की दुकान पर भी जाएंगे जहाँ से हम लोग सारे कपड़े खरीदते हैं। और ये व्यू देख रहे हो, और जिले ऑटो वाले हो फिर वसूली। तो उतर जाओ उतर जाओ, सब उतर जाओ। आ गए हम लोग पेट्रोल पंप, नदी पर डला गया पेट्रोल, टंकी फुल कर दो। पेटीएम लो, उतरने पड़े। दीपक दलाया आगे बढ़ाओ। और ये चाल पेट्रोल पंप, पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपये के पार, सेंचुरी हो गई पूरी पेट्रोल की। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? पेट्रोल डल गया गाड़ी में और हम लोग अब चलेंगे पेट्रोल खत्म कर रहे। पेट्रोल ये आ गया होटल अमर आशियाना एंड बी मार्ट। यो यो, अब कहाँ पे चले ना बताओ, कहाँ पक्के तलाव चलते हम लोग? पक्का तलाव जो एकदम पक्का है, एकदम पक्का है। हम लोग आगे शास्त्री चौराहे बाबा दी मॉल मैड मूवीज। ये है इटावा का सबसे बड़ा चौराहा शास्त्री चौराहा, और ये रहा बाबा मॉल इन फ्रंट। और ये रहा प्राचीन शिव मंदिर, ये इटावा का फेमस। और ये ईदगाह चौराहा। ईदगाह से हम लोग सीधा जा रहे हैं अब
चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं ईदगाह से, सीधा चले ही जा रहे हैं हम लोग, कहीं रुकना ही नहीं है, सीधे जाना ही जाना है। दीपक जय बाबा की, जय बाबा की। ये कौन सा चौराहा है? बलराम सिंह। यहाँ चौराहा तो है नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसा चौराहा लगे बस। यहाँ पे चार रोड है तो इसलिए चौराहा है। और ये आ गया इटावा का फर्स्ट रूफ टॉप रेस्टोरेंट, और हम लोग आ गए साथी चौराहा। अरे जबान टूट गया, यहाँ से सीधा पक्का तालाब चौरा हम लोग आ गए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे हम पक्का तालाब सरदार पटेल चौक, और यहाँ से हम लोग जाएंगे पक्का तालाब। तो चले जा रहे, चले जा रहे सीधा, कहीं रुक ही नहीं रहे, सीधा चले ही जा रहे। आ गए हैं पक्का तालाब, ये रहा पक्का तालाब, देख रहे हो आप। विक्टोरिया हॉल, और ये रहा साईं बाबा टेंपल। ये रहा साईं बाबा का मंदिर, और ये रहा विक्टोरिया हॉल। ये विक्टोरिया हॉल है, विक्टोरिया हॉल। यार नज़ारा देखो यार, व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, ऑसम एकदम। ये देख रहे हो आप, ये रहा पक्का तालाब। अभी काफी टाइम बाद आए ना हम लोग, बहुत टाइम हो गया, हम लोगों को याद भी नहीं लास्ट हम लोग कब लोग कब आए। कम से कम 2-3 महीने बाद है। आराम से 2-3 महीने तो आराम से हो गया। हम लोग 2-3 महीने बाद इतना टाइम लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे रात में अच्छा एकदम बहुत अच्छा लगता है, रात में जब लाइटें वगैरह जलती हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेला भी लगता है, कल लगेगा, कल थर्सडे है, थर्सडे को यहाँ पर अच्छा बहुत काफ़ी भीड़ होती है। जब वो मंदिर है ना पीछे, वहाँ पर लोग आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इटावा की फेमस चीज़ को पियेंगे चल के हम लोग। A few moments later. चले तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। हम गैलेक्सी भी क्या करना, तो हम लोग चलते हैं अभी यहाँ से गैलेक्सी फैशन वर्ल्ड। इनको कुछ कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो इनको लेकर चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से चलते हैं सीधा हम लोग। हाँ घोड़ा चाय बता दिया, बहुत सस्पेंस हो गया। तो हम लोग पहले चलते हैं गैलेक्सी फैशन वर्ल्ड, उसके बाद घोड़ा चाय पियेंगे इटावा की फेमस। तो दीपक की गाड़ी की हो गई है हवा कम, क्योंकि दीपक हो गया ज़्यादा मोटा, पेट गलाया जो होता है, तो दीपक की गाड़ी को हवा की है ज़रूरत। तो दीपक अपनी गाड़ी में हवा डला लें, नहीं टायर फट जाए। तो दीपक अभी डलाएगा अपनी गाड़ी में हवा, उसके बाद चलेंगे हम लोग। अरे आगे चलो तुम यार, दीपक यार इटावा में रह गए तो मुझे नहीं पता हवा कहाँ डलती। फिर से हम लोग आ गए एक बार पक्के तालाब चौराहे पर। तो यहाँ हवा डाल दे भैया यार, मोटी गाड़ी में मोटे होगा ज्यादा। डल गई गाड़ी में, और चल रहे हैं हम लोग। और हम लोग आ गए हैं फाइनली गैलेक्सी फैशन वर्ल्ड। सारा काम हो गया, चले अब कहाँ चलना है? अब चलना है घोड़ा चाय। चलो यार चलो,
तो हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि जो हमारी इटावा की सबसे फेमस चाय है वो मिलती है स्टेशन पर, घोड़ा चाय जिसका नाम है। अगर आप, आपको पूरा बता देंगे स्टेशन पर वो कहाँ पर है, अगर आप कभी वहाँ पर आते हैं तो एक बार वहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा, एक बार पीकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो इटावा में। तो आपको दिखाते हैं कहाँ पर मिलती है इटावा की सबसे फेमस चाय। तो ये रहा सामने स्टेशन, स्टेशन के पास ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड के पास ही इस साइड पर है यहाँ पर घोड़ा चाय। अच्छा आइए चलते अंदर, चल। यहाँ पर मिलती है इटावा की सबसे फेमस चाय घोड़ा चाय, तो अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं, मंगाते हैं। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बहुत फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अगर आप दूर दूर से, बहुत लोग जो भी यहाँ से निकलते हैं, मतलब इटावा से जो भी लोग निकलते हैं, जो बाहर के शहरों से आते हैं बाहर से, तो वो एक बार ज़रूर इटावा में यहाँ पर ज़रूर आते हैं एक बार चाय पीने। तो आज हम लोग भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए हैं। तो हम लोगों ने चाय पी ली है। यहाँ पर जो चाय मिलती है वो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होती है, बट जो भी है ना वो यहाँ पर केवल क्रीमी चाय होती है, इसलिए यहाँ पर ये फेमस है। तो एक बार आप ज़रूर आइएगा, हम लोग तो आते ही रहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर आइए। चलते हैं हम लोग यहाँ से, कब कहाँ चलना है देखते हैं, अभी हम लोग अभी देखते हैं कहीं चलते हैं। आ गए हम विजयनगर चौराहे पे, ये बर्गर बन देखा, चलो KSP। तीन बर्गर खाते नहीं है, जबकि हम खाते नहीं है, खिला रहे इसलिए खा रहे हैं, दीपक खिला रहा हूँ भाई अपना भाई, क्योंकि उसका पेट जैसा ही कहा जा रही। हम लोगों ने बर्गर खा लिया, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो गया था, तो हम लोगों को मिर्च लग रही है। चल रहे सीधे घर यार, नहीं मिठाई नहीं खिला रहे, मिर्च लग गई या कुछ खिला दो, मुझे ये खिला दो। देख रहे कंजूस आदमी नहीं देखा इतना बड़ा, पान खिला दो, पेमेंट हमने किया, चल पान खिला दे पान। तो शुभम भाई हमारे पान ले रहे हैं हम लोगों के लिए, ये है विजयनगर चौरा, ये देखो गाड़ी उल्टी लगा, चौराहे पर उल्टी गाड़ी, ऐसे लोग ही तो जाम लगाते। पेटीएम कर दे यार, अंकल जी की दुकान में पेटीएम गूगल पे सब है। मैं जानता हूँ, ए मार मत, ए बोला ना एक मिनट, ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं ले लो पान आ गए, ले भाई यार दोनों। अब कहाँ चल रहे, घर पे, घर पे बुला रहे, रात हो गई, हम लोग घर जा रहे हैं। हम आ चुके हैं घर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमें बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।